अरे उन लोगों को प्लेन उनका तुरंत जाने वाला था, तब कुछ लोग चले गए कह के, लेकिन जितने लोग बचे हुए जिनको अभी तुरंत जाना है, नहीं नहीं पहले सब लोग बोल दे जो भी है और उसके बाद तो समय ज्यादा ना लगा इसके चलते। आज पटना में जो हमारा 17 पार्टी का मीटिंग हुआ है, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर भी ये मीटिंग में आए हुए हैं, एक चीफ मिनिस्टर भी आए हुए हैं, बहुत अच्छा तरीका से मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। शरद जी का माफिक सीनियर लीडर भी आए, लालू जी बहुत दिन बाद पॉलिटिकल मीटिंग में उतरे, नीतीश जी मीटिंग कन्वीन किया है हम लोगों को रिक्वेस्ट करने का बाद, उसको बाद पहले मिला, राहुल जी आया, खड़गे जी आया, अखिलेश भाई आया, तेजस्वी है हमारा, हेमंत सोरेन जी है, दीपंकर भट्टाचार्य है, उमर है, महबूबा जी है, राजा है, सीताराम जी है, उद्धव ठाकरे है, शरद पवार जी है, और सारे बहुत सारे लीडर है। एक चीज हुआ पटना में मीटिंग, मैंने बोला था इसी के लिए नीतीश जी को कि पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है, और बहुत सारे आंदोलन पटना से शुरू हुआ पहले, आप लोगों को मालूम है, अमर कहने नहीं चाहती हूँ। इसी के लिए मैं कहा था दिल्ली में हम लोग बहुत सारे मीटिंग किया लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाला, अब पटना से शुरू करो। पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है, तीन चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर वन, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है, हम लोग भी पेट्रियोटिक है, हम भी देशोप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं, मणिपुर जलने से हमारा भी आग जलते हैं, ऐसे हम लोगों ने हेतु तैयार किया कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चल रहा है, जो एट्रोसिटीज चल रहा है, एट्रोसस्टेनेबल क्या नहीं किया, हम लोग जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया, हमारा स्टेट का मालूम नहीं है फाउंडेशन डे है, उन्होंने फाउंडेशन डे कर दिया, हम लोग को कंसल्ट भी नहीं करके, जो मर्जी करते हैं, जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है, मीडिया को तो पूरा कंट्रोल किया है, और क्या चालाकी करते हैं, छुपी रुस्तम का माफी, बहुत सारे लॉयर को कोर्ट में भेजकर कोई ना कोई केस कर हम लोग को खिलाफ में कोई ना कोई सीबीआई होता है, नहीं तो ईडी होता है, नहीं तो पंचायत भी सीबीआई में होगा, ऐसा ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन बेरोजगारी के बारे में चिंता नहीं करते हैं, आम जनता के लिए चिंता नहीं करते हैं, इकोनॉमी इज टोटली डिस्ट्रॉयड इसका बारे में चिंता नहीं करते हैं, महिला को इज्जत लुटता है चिंता नहीं करते हैं, दलितों को खिलाफ में है चिंता नहीं करते हैं, 100 दिन का रुपया नहीं देता है, गांव का रास्ता का रुपया नहीं देता है, आवास योजना का रुपया नहीं देता है, यूनिवर्सिटी में मर्जी का माफिक वीसी रिक्रूट करते हैं, क्या नहीं किया है। इसके लिए जितना भी तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे, हमको खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट अब देश में चुनाव ही नहीं होगा, ऐसा लोगों को कहना है। इसी के लिए हम लोगों ने तीन चीज पे जोर दिया है, एक वी आर यूनाइटेड,
दो वी विल फाइट टुगेदर, थ्री नेक्स्ट मीटिंग शिमला में होगा, फोर्थ जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच, यू आर सो नाइस, आप लोगों ने हम लोगों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया और आप लोगों ने पूरा मदद दिया। मैं तो इधर में बहुत इंटरनेशनल प्रेस भी है और लोकल प्रेस भी है, रीजनल प्रेस भी है, हॉट स्टेट का प्रेस भी है कि आज का मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। आई थिंक द हिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम हियर, बीजेपी वॉन्ट्स द हिस्ट्री शुड बी चेंज एंड वी वॉन्ट हिस्ट्री शुड बी सेव्ड फ्रॉम बिहार। थैंक यू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।